ये वाइट वाले टी शर्ट को मेरा नाम संजय रामराज सिंह है। मैं संभाजी में रहता हूँ। मेरे पे एक साइड है छोटा सा, मैं वहीं बैठा था तो बाहर लफड़े हो रहे थे, तो मैं अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर अपना बैठ के कैमरा चेक कर रहा था। तो इतने फिर आए हमारे साइड पे और ज़ोर से आवाज़ देने लगे, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। मैंने दरवाज़ा खोला नहीं, मैंने दरवाज़ा खोला नहीं। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए और आए और उनके हाथों में हथियार था और सामान था, मुझे लगा दिए। तो मैं डर गया, अकेला सामान देख के तो मैं डर गया। ऐसा वो तो किस तरह का हथियार था उनके हाथों? इतने बड़े बड़े चाकू थे, अच्छा। गुप्ती टाइप ऐसे नुकीला चाकू थे और एक रिवॉल्वर था। और फिर मैं धीरे से उठा और निकलने लगा। उन्होंने सब एक मैंने बाटी फोड़ा और मैं फटक से भाग के रूम में घुस गया और अंदर से कड़ी मारा। तो उन्होंने लात मारा कड़ी पे, दरवाजे पे, और सब मेरा पत्र उतरा और सब दरवाजे पे उन्होंने लात मारा, आजू बाजू चाली में सब पे, और गाली गलौज किया। अच्छा, जो हमला करने वाले थे वो कौन लोग थे और क्यों हमला किया आप पे? वजह तो मुझे लगता है कि कुछ खंडनी का मैटर रहेगा हफ्ता के विषय में, क्योंकि वो गुंडे लोग एक्चुअली एरिया के नहीं है, बाहर के आए थे और अचानक आके ऐसे चालू कर दिया मारना। समझ में नहीं आया मेरे, मैं कन्फ्यूज हो गया। अच्छा, मैं तुरंत भाग के रूम में घुस गया। आप पर क्यों अटैक किया आप पे? वही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, वो दूसरा बंदा और घायल हुआ वो कौन है, क्या हुआ? वो समझ नहीं मिलता है, विश्वास गीताराम मोरे, वो अभी नायर में एडमिट है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। अभी क्या होता है, कितने लोग? उन लोग 8-10 जन थे, उन लोग 8-10 जन थे। और उसके बाद मैं, हम लोग तुरंत चौकी आए। जख्मी कितने लोग? उस समय तो सिर्फ मेरे साथ हुआ था, तो हम लोग सब लोग चौकी में आए। उसके बाद हम लोग चले गए सत्ताबी हॉस्पिटल में मेडिकल कराने। तो बाद में पता नहीं 2-3 दिन को और हुआ है ऐसा मैं सुना। अच्छा, एक जन तो एडमिट है नायर में। अच्छा, वो सीरियस है? हाँ, सीरियस है। तो फिलहाल पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है? किसी अभी एफआईआर ले रहे हैं, बोल रहे हैं। अच्छा, किसी को गिरफ्तार भी किया? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है।